वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो हाईली रिक्वेस्टेड है क्योंकि बहुत टाइम से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल पहले बहुत घने हुआ करते थे और अब बहुत हल्के हो गए हैं, यानी कि प्रॉब्लम हो गया है हेयर लॉस का, हेयर फॉल हुआ था और उसके बाद उन रूट्स में से न्यू हेयर ग्रोथ नहीं आ रही है। तो आज हम बना रहे हैं ये मैजिकल हेयर टॉनिक, जो अगर बालों की ग्रोथ रुक गई है तो ये ग्रोथ को सुपर फास्ट करने वाला है, आपके बाल बहुत जल्दी लंबे होने वाले हैं इसके इस्तेमाल से। और अगर आपको प्रॉब्लम हो गई है हेयर लॉस की, हेयर फॉल हुआ उसके बाद न्यू हेयर ग्रोथ नहीं आ रही है, तो उसमें तो आपको ये मैजिकल रिजल्ट देने ही वाला है। पर्सनली यूज़ कर रही हूँ इसको लास्ट 3 वीक से एंड हाईली सेटिस्फाइड हूँ इसके रिजल्ट्स से। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाल बहुत ड्राई रहते हैं या स्कैल्प बहुत ऑयली या फिर ड्राई रहता है, फर्स्ट एप्लीकेशन में ही देखेंगे आप आपके बालों की काया पलट होने वाली है। ऑलमोस्ट 80% हेयर फॉल आपका कम हो जाएगा फर्स्ट एप्लीकेशन में ही। लगाना बनाना बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगी। अगर आपके बाल शैम्पू करते हुए टूटते हैं, यानी जब आप हेयर वॉश करते हैं तो बहुत सारे बाल आपके बाथरूम में इकट्ठे हो जाते हैं, या आपके बाल कंघी करते हुए टूटते हैं, जब आप कोम करते हैं, ब्रश करते हैं अपने बालों में तो कोम या ब्रश में भी आपके बहुत सारे बाल आ जाते हैं, या आपके बाल बीच में से टूट रहे हैं या नीचे से आपके बालों की जो एंड्स हैं वहाँ स्प्लिट हो गए हैं आपके स्ट्रैंड्स, यानी स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम हो गया है, बाल दो मुए हो गए हैं, इसको लगाना स्टार्ट करिए, आपके बालों की हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है ये। इसको यूज़ करने के बाद एक बात तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर इसको हम अपने हेयर केयर रूटीन में परमानेंटली शामिल कर लेते हैं तो हमारे बालों का जो वॉल्यूम है वो बहुत बेटर हो जाता है, क्योंकि ये इनएक्टिव पड़े हुए हेयर फॉलिकल्स में से भी बेबी हेयर लाने लगता है। और जहाँ तक बात है गाइज इसको यूज़ करने की, तो यूज़ करना भी बेहद ईजी है। आपको सिर्फ इस वाटर को एक स्प्रे बॉटल में फिल करना है और अपने स्कैल्प पर स्प्रे करना है, आपको हेयर स्ट्रैंड्स पर भी स्प्रे करना है, लेकिन ज़्यादा फोकस रखना है अपने स्कैल्प पर, क्योंकि हेयर ग्रोथ तो हमारी स्कैल्प से ही होती है, हेयर फॉल भी वहीं से ही रुकता है। आपको इसे रात भर अप्लाई करके नहीं रखना है, सिर्फ शैम्पू करने से 2 से 3 घंटे पहले ही इसको अप्लाई करना है और फिर शैम्पू कर देना है। तो चलिए अब जल्दी से पहले मैं बता दूँ आपको कि इसे बनाना कैसे है। बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 500 ml वाटर। कोशिश करिए कि आप इसके लिए फिल्टर वाटर ही यूज़ करें। अब इस पानी में मैंने ऐड किया है 1 छोटा स्पून, 1/2 टीस्पून मेथी सीड्स। मेथी सीड्स में होता है बहुत सारा प्रोटीन, बालों की किसी भी तरह की डैमेज को ये रिपेयर करता है, डैंड्रफ है या स्कैल्प पर किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन है उसे ख़त्म करता है। अब ऐड करना है 1 टीस्पून कलौंजी सीड्स, यानी प्याज के बीज। कलौंजी सीड्स हमारे बालों को लंबे समय तक काला रखते हैं और हेयर फॉल को एकदम स्टॉप कर देते हैं। एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं इनमें, हमारे स्कैल्प को हेल्दी रखते हैं, हेयर लॉस को प्रिवेंट करते हैं और बालों का वॉल्यूम बढ़ाते हैं ये। अब हम ऐड करेंगे 1 मुट्ठी करी लीव्स, आप फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास ड्राई थे तो मैं यहाँ पर ड्राई ऐड कर रही हूँ। करी लीव्स में होते हैं बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन सी, जो हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं। बाल अगर डैमेज हो गए हैं तो उनको रिपेयर करते हैं करी लीव्स, और अगर बाल प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग का इशू आ गया है तो उसको भी रिजॉल्व करते हैं। करी लीव्स में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि बालों की ऑलमोस्ट हर तरह की प्रॉब्लम को बहुत अमेजिंगली ट्रीट करते हैं। तो बस इस मिक्सचर को अब हमने लो फ्लेम पर रखना है और इसको हल्का हल्का चलाना है बीच बीच में, और पकने के लिए छोड़ देना है। हमें इसे हाफ होने तक पकाना है, लेकिन आपको गैस को हाई नहीं करना है, फ्लेम को लो फ्लेम पर ही इसको रखना है। जैसे जैसे ये मिक्सचर पकता जाएगा वैसे वैसे हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड किए हैं उन सब का एसेंस इस पानी में आ जाएगा। जब ये पानी हाफ हो जाए तो आपको गैस को बंद कर देना है और अब इसमें ऐड करने हैं 2 टेबल स्पून भरकर रोजमेरी लीव्स। अब जल्दी से और अच्छे से मिक्स कर दीजिए इन रोजमेरी लीव्स को भी इस मिक्सचर में, और ढककर रख दीजिए इसको रात भर के लिए। नेक्स्ट डे जब हम इसे खोलकर देखेंगे तो हमारा पानी रेड कलर का हो चुका होगा और बस हमारा ये हेयर टॉनिक रेडी है। ये देखने में जितना ब्यूटीफुल है गाइज, इसके रिजल्ट्स भी उतने ही अमेजिंग मिलने वाले हैं, ट्रस्ट मी।
पहले हमने इसमें ऐड किए बालों के लिए अमृत की तरह काम करने वाले इंग्रेडिएंट्स, और उसके बाद ऐड कर दिया रोजमेरी लीव्स भी, जो कि मिनोक्सिडिल की तरह काम करते हैं, यानी कि स्कैल्प जहाँ से हमारी खाली नज़र आने लगती है वहाँ पर भी हेयर ग्रोथ लेकर आता है रोजमेरी लीव्स का एप्लीकेशन। बस इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए, और स्ट्रेन करने के बाद रेडी है हमारा ये हेयर टॉनिक। आप इसको किसी स्प्रे बॉटल में भी फिल करके रख सकते हैं, बाहर रखेंगे तो 15 डेज के लिए आराम से चलेगा, ये फ्रिज में रखते हैं तो आप एक महीने के लिए इसे स्टोर कर सकते हैं। वीक में 2 से 3 बार हम शैम्पू करते हैं, तो बस शैम्पू करने से 2 से 3 घंटे पहले आपको इसे अच्छे से अपने स्कैल्प और अपने बालों पर अप्लाई करना है, और फिर किसी भी माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर देना है। ज़रूर यूज़ करना स्टार्ट करिए इसको आज से ही। ट्रस्ट मी गाइस, ये बालों की हर तरह की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स लेकर आता है ये। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।